जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग BPSC प्रीलिम्स टारगेट डे नंबर 6 में आपका वेलकम करते हैं और आज का टारगेट आपको जो दिया जाएगा वो है हमारा फिजिक्स सेक्शन का। केमिस्ट्री आई होप आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे, नहीं तो मैं रिवीजन के लिए स्पेशल आपको टाइम दे दूंगा 2-3 दिन का। इसके साथ ही आज का जो टारगेट रहेगा आपका फिजिक्स सेक्शन से रहेगा, आज आपको फिजिक्स पे कंप्लीट करना है। फिजिक्स में जो क्वेश्चन है वो आपको 120 से 130 पेजेस तक है और उसमें भी कुछ कुछ डिफेंस से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है और आपका कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन को आपको क्या करना है, छोड़ देना है, कंप्यूटर अभी नहीं देखना है और डिफेंस और आप स्पेस टेक्नोलॉजी को आप वहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं। क्वेश्चन का मैं बता दूंगा पैटर्न कि क्वेश्चन जो होंगे आपके थोड़ा स्टैटिक होगा, जो कि इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट कौन था, एप्पल था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको लिखना है। बाकी जो डीप जो आए हुए क्वेश्चन साइंस एंड टेक को उसको नहीं करना है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन जो होंगे आपके करंट बेस पे ही होते हैं, क्योंकि स्पेस और जो डिफेंस होता है ये करंट बेस पे चलता है, इसको फिजिक्स में ऐड कर दिया गया घटना चक्र में, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो लगेगा कि फैक्ट बेस्ड है और इस फैक्ट को नोट करना इंपॉर्टेंट है, जो आगे पूछा जा सकता है, उसी को आप वहाँ पे नोट करेंगे। याद रखिएगा जैसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं उस तरीके से आपको क्या है, नोट मेकिंग का आदत बनाना पड़ेगा। नोट मेकिंग मस्ट है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ही खुद जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं 4 पेजेस में नोट्स बना हुआ है, यानी दोनों साइडों का, जैसे कि मैं यहाँ पे है मेरे पास अभी कॉपी, तो 4 पेजेस में जो है बायोलॉजी के घटना चक्र 1, 2 फिर ये 3 और ये 4, ये 4 पेजेस में आपके बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स हो गए हैं घटना चक्र से। तो इन 4 पेज को एक पेज अब घटना चक्र मैं दोबारा नहीं पढ़ने जाऊंगा और अगर मेरे को पढ़ना भी होगा तो मैं इन 4 पेज को पढ़ूंगा और जिससे मेरा बायोलॉजी रिवीजन हो जाएगा घटना चक्र से। और इसके बाद जो है हम लूसेंट पे जाएंगे और उसके बाद हम PYQ पे जाएंगे, या फिर हम पहले PYQ कर लेंगे उसके बाद लूसेंट जाएंगे, या फिर जैसा होगा वो हम लोग देखा जाएगा। अभी हम लोग जैसे कि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट किस टाइप के नोट्स आपको बनाना है, तो नोट्स बनाने का तरीका जो होगा सिंपल होगा, शॉर्ट में होगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि आपके नोट्स में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको नहीं आते हैं। आने वाले क्वेश्चन जो आपको आता है वो नोट्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आएगा क्वेश्चन आपको वो आसानी से बन जाएगा। जो आपको नहीं आता है क्वेश्चन वो आपको नोट्स में नोट करना है और याद रखना है। क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन हमसे बनेगा, कौन सा क्वेश्चन हम कंफ्यूज हो जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो अगर आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरा सही होगा कि नहीं होगा, तो आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, जैसे कि यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी है, किसने दिया था, तो म्यूटेशन थ्योरी आपका ह्यूगो डी वेरस ने दिया था। ये JPSC के भी मेंस के सिलेबस में था जो कि मैंने पढ़ा था। तो ह्यूगो डी वेरस जो है म्यूटेशन थ्योरी था, उस मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। इसके साथ जो है आपका कि जो फैक्टर इवोल्यूशन जो था, इवोल्यूशन किससे होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। इसके साथ म्यूटेशन थ्योरी से होता है क्या, डाइवर्सिटी जो होता है म्यूटेशन से होता है और म्यूटेशन से ही के वजह से ही आपका न्यू स्पेसिस होते हैं। सिंपल सा और क्या है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ओनियन में किस टाइप के, ओनियन में जो आपका टीयर्स होता है, आंसू आता है, किस वजह से आता है, तो सल्फेनिक एसिड की वजह से आता है। चिलीज में जो क्या मिला होता है, कैप्सिसिन मिला होता है। चीज़ें हमको ये पता था चिलीज में कैप्सिसिन मिला होता है, लेकिन फिर भी मैं लिख लिया हूँ, आप लोग भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। इसके साथ ही जो कुछ क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपको यीस्ट क्या होता है, एक तरह का फंगस हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं मरेगा, यीस्ट एक टाइप का फंगस हो जाएगा। इसके साथ ही जो क्वेश्चन है आपका माइक्रोरिजिया से है कि माइक्रोरिजिया क्या होता है आपका, प्लांट और जो फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है वो आपका माइक्रोरिजिया कहलाता है। आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे ये सेक्शन। और जो स्पाइडर का जो सिल्क होता है वो गॉसमर सिल्क इसको कहते हैं। इसी टाइप का आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हो जाएगा, कुछ मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि जो लगे आपको कि टफ है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे में देखेंगे थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन ज़्यादा दिखेगा, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को लिख लेना है। जैसे कि जो है आपका DNA को पहली बार किसने
किसने डिस्कवर किया था, तो यहाँ पे फ्रेडरिक मिशर हो जाएंगे जो कि 1869 में किए थे, ये भी मैंने लिखा है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने एक लिखा है कि एटीपी फॉर्मेशन क्या होता है आपका, कब साइकिल से होता है एटीपी फॉर्मेशन। तो ये सब क्वेश्चन जो है थोड़े टफ कैटेगरी के हैं, और मे बी मैं भूल जाऊँ एटीपी फॉर्मेशन कौन सा साइकिल होता है, कब साइकिल होता है, क्रैक साइकिल होता है, जो भी आपको, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ चीज़ें मैंने लिखी हुई है और मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भी है कि आपको प्रोटीएज क्या करता है, फिर आपको लाइपेज क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये सब का भी फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और कलर जो होता है प्लांट के कलर क्या होते हैं, जो जैसे कि आपका फ्लावर का कलर जो होता है एंथो, जैसे एप्पल का कलर जो होता है रेड होता है, क्यों होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है, और जो आपका टमाटर का होता है लाइकोपिन की वजह से होता है, ये सब क्वेश्चन जो आपको लिखा होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा जब आप रिवीजन करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका टफ क्वेश्चन का रिवीजन आसानी से हो जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आपको बनेगा ही। और कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ताकि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ चीज़ें मेरे को पता है लेकिन फिर भी मैं लिखा हूँ इसको, और कुछ चीज़ें टफ है तो वो भी मैं लिखा हूँ, जो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है तो वो मैंने लिखा हूँ, जैसे कि रेटिनॉल को विटामिन ए कहते हैं तो ये सब नहीं लिखा हूँ, विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये सब सिंपली लिखा हुआ पता है तो नहीं लिखा हूँ। और ये भी है कि आपको याद रखना है कि जो नाइट्रेट कंटामिनेशन से होता है क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये पता है लेकिन नहीं लिखा हूँ। और बाकी जो है यहाँ पे देखिए विटामिन यहाँ पे के बारे में लिखा हूँ कि B12 और विटामिन के जो होता है हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से सिंथेसिस होते हैं, ये सब क्वेश्चन है। विटामिन D2 को क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं जो कि घटना चक्र में है, तो विटामिन D2 को एर्गोकाल्सिफेरॉल कहते हैं, ठीक है। B12 में कोबाल्ट मिलता है, इंसुलिन में जिंक मिलता है, तो ये सब आपको लिख सकते हैं। वीट में कौन सा प्रोटीन मिलता है, ग्लूटीन मिलता है। अल्बुमिन कहाँ पर मिलता है, ये भी बताना होगा। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। उसी तरह से आपका लैक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो जाएगा, और माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर के आप नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर जो है राइजोबियम कहाँ पे होता है, पी में होता है। एजोबैक्टर आपका वीट में चलेगा, एजोला आपका पैडी में जाएगा। और ब्लू ग्रीन एल्गे क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। और कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर है यहाँ पे, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि एजोबैक्टर हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम हो गया, एनाबीना हो गया, नॉस्टोक हो गया, राइजोबियम हो गया, एजोला हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आप किसमें देंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में। यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सॉरी बायो फर्टिलाइजर है, तो आपको ये एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा क्या, वहाँ पे टिक मारना पड़ेगा। तो इस टाइप का आपको चल रहा है, और सारे का केमिस्ट्री का भी मैंने बना लिया है, और फिजिक्स का भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग को भी आज क्या करना है, सब फिजिक्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद जो है साइंस हमारा बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आपका ज्योग्राफी के घटना चक्र को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ज्योग्राफी घटना चक्र में क्या होगा, फिर हम लोग सबसे पहले इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। 600 के आसपास का पेज है, यानी 6 दिन लगेगा। प्रत्येक दिन हम लोग 120 क्वेश्चन लेके चलेंगे, तो आसानी से 4-5 दिन में हम लोग ज्योग्राफी के दोनों सेक्शन, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग कोशिश करना चाहिए कि 7 दिन में किसी तरह से घटना चक्र के बुक को कंप्लीट कर लेना है। हम लोग हर वीक में एक ज्योग्राफी एक घटना चक्र के बुक को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 6 दिन में साइंस के घटना चक्र को कंप्लीट कर लिया है, उसी तरीके से हम लोग जो है अब ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे 4-5 दिन में। और इसी तरीके से हम लोग ज्योग्राफी के बाद हम लोग हिस्ट्री बिहार स्पेशल PYQ को भी अलग से ही एक वीक का टाइम देंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ PYQ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा, हम लोग पहले घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है घटना चक्र के बाद हम लोग लूसेंट या PYQ पे आएंगे। अगर आप PYQ कहेंगे तो PYQ पे चलेंगे, यही तो फिर हम लोग लूसेंट पे चलेंगे, नहीं तो कोशिश करते हैं घटना चक्र के बाद हम लोग PYQ पे आते हैं, उसके बाद हम लोग लूसेंट करेंगे, क्योंकि लूसेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कोई बात नहीं लूसेंट में टाइम लगाएंगे, लूसेंट को देना है, और फिर PYQ और टेस्ट सीरीज का हम लोग करेंगे अच्छे से। तो आई विश कि आपको पता चल गया कि किस टाइप का आपको नोट्स बनाना है। मेरे जो साइंस के जो नोट्स बने हैं वो आपका 10 पेज में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हो गए हैं। आप लोग को भी कोशिश करना है जितना मिनिमम से मिनिमम आप वहाँ पे आप पेज इंक्लूड करेंगे, ताकि आपका रिवीजन जो बहुत आसानी से हो जाए। रेस्ट के बाद आपका टेस्ट सीरीज वैसा ही होगा जैसा कि आपका टेस्ट सीरीज कैसा होना चाहिए।
सिंपल होना चाहिए और थोड़ा सा टेस्ट सीरीज में आपको टाइमिंग का ख्याल रखना है कि टाइमिंग मेरा 150 क्वेश्चन जो है टाइमिंग के अंडर में बन जाए। और बाकी जो होगा मैं आप लोगों को जो डाउट होगा, हाँ एक जो डाउट आ रहा है हमारा मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है। देखिए बीपीएससी में कोई ठीक नहीं है कि मैथ्स का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन कब टफ कर दे और कब इजी कर दे। देखिए जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें से इजी क्वेश्चन 3-4 रहते हैं रीजनिंग के, जो कि आपको नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील करना है तो आप जितने भी 64वीं से लेकर अभी तक जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चन हुए हैं आप उसको कर जाइए। 10-10 क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन है, आप उसको आसानी से कर लेंगे। और जो नहीं होता आप YouTube से देख लीजिएगा, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा दूँ यहाँ पे। और बस आप कोशिश कीजिएगा क्लॉक वाले पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा, क्लॉक जो बीपीएससी में क्लॉक पूछता है उसको आप कर लीजिएगा, किस टाइप के क्लॉक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आई थिंक मैंने जो भी था डाउट आपके बोल रहे थे कैसे नोट्स बनाना है, तो नोट्स इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने ये है, ये है हमारा नोट्स बायोलॉजी के हैं शुरुआत में, पहले से 4 पेज होगा मेरा, पहला 4 पेज आप देख सकते हैं, ये हमारा बायोलॉजी हो जाएगा और यहाँ से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला है। और ये जो है 2 पेज में केमिस्ट्री हमारा 2 पेज में है, केमिस्ट्री 2 पेज में, और फिर यहाँ से हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा और फिजिक्स जो है फिर हमारा ये जो है 4 पेज, ये हमारा 4 पेज तक जाएगा, 4 पेज तक जाएगा। तो 10 पेज में फिजिक्स साइंस कंप्लीट हो गया है, तो आई होप कि आप लोग भी 10 से 12 पेज ही लेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, लिखना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन भी करके दिखा दिया है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और PYQ का डिस्कशन मैं बहुत जल्द यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ और अपने साथियों के साथ, तो PYQ डिस्कशन जो होगा काफ़ी अच्छे से होगा, डिटेल में होगा और उसके 360 डिग्री एनालिसिस भी मैं जल्दी करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो घटना चक्र से डायरेक्ट मिलेंगे और उसके हेल्प से आपको आसानी से बन जाएगा। 10% 20% क्वेश्चन की वजह से 10% 20% क्वेश्चन की वजह से आपको हवा नहीं क्रिएट करना है, चीज़ें वैसे ही थी पहले जैसे पहले आती थी, थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कर दिया गया है, वो भी हम लोग देख लेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी हम लोग करेंगे साथ में। और लेकिन सबसे पहले है आपको सेल्फ स्टडी जम के करना है, ठीक है। अभी पूरे जुलाई हम लोग कोशिश करना है कि इस जुलाई मंथ में हम लोग घटना चक्र कंप्लीट कर दें, अगस्त मंथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि लूसेंट और PYQ कंप्लीट हो जाए, पहले हम लोग PYQ कंप्लीट करेंगे फिर लूसेंट देखेंगे, और उसके बाद जो आपका सितंबर जो पूरा मंथ चलेगा उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज को और PYQ को जम के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इन ढाई महीने में हम लोग डेली करेंट अफेयर को देखेंगे। करेंट अफेयर का सोर्स मैंने बहुत सारा बताया है, आप लोग कोई भी 2-3 सोर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ तो मैं भी 2-3 यूज करता हूँ, जैसे कि आपका सोर्स हो गया क्या है उत्कर्ष क्लासेस का जो डेली वाला चलता है वो तो देखना ही पड़ेगा आप लोग को, इसके साथ ही आपको जो मंथली करेंट अफेयर आता है KG GK Tricks का वो भी आप देख सकते हैं, या फिर किसी भी मंथली करेंट अफेयर आप देख सकते हैं जिनका भी आपको अच्छा लगता हो, तो घटना चक्र का भी मंथली आता है तो वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो रेस्ट जो भी आपको डाउट होता है मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व करा दूंगा, और PYQ का डिस्कशन मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मिलते हैं। और आप लोग को रिविजन के लिए आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा 2-3 दिन के लिए, रिविजन के लिए आपको टाइम मिलने वाला है, मैं बता दूंगा क्या टाइमिंग होगा, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे और जल्द से जल्द हम लोग ज्योग्राफी के घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे 4-5 दिन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।